अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आफरीन किचन जायका में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नली निहारी की रेसिपी। बहुत ही इजी, फास्ट और टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। मैं इस वीडियो में आपके साथ निहारी बनाने का मसाला भी शेयर करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, निहारी बनाने के लिए हमें इस टाइप की नली और हड्डी वाला गोश्त चाहिए होता है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 kg यूज़ की हूँ। मसालों में मैंने यूज़ की हूँ 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 तेज़ पत्ते। मसालों में मैंने यूज़ की हूँ 1 tablespoon साबुत धनिया, 1 teaspoon सौंफ, 6 से 7 मिरी, 1 जावित्री, 1/4 जायफल, 2 लौंग, 1 स्टार फूल, 3 हरी इलायची और 1 teaspoon ज़ीरा। फ्रेंड्स, निहारी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है आटा, और मैंने यहाँ पर 2 tablespoon गेहूं का आटा यूज़ की हूँ। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हो। 2 tablespoon अदरक लहसुन और 2 medium size की कटी हुई प्याज। निहारी मसाला बनाने के लिए हमें सभी खड़े मसाले 5 मिनट तक के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। सभी मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सर के जार में ऐड करेंगे सभी रोस्ट किए हुए मसाले। साथ ही हम ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और सभी मसालों को मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और निहारी मसाला बन करके रेडी है। मैंने यहाँ पर प्याज का पेस्ट बनाकर रेडी कर ली हूँ। हम एक कुकर में ऐड करेंगे ऑयल, तेज़ पत्ते, दालचीनी, 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। हम इसमें ऐड करेंगे सारे मटन के पीसेस, निहारी मसाला, और साथ ही हम ऐड करेंगे 2 glass पानी, नमक, और सभी चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का लीड बंद करके गोश्त को तकरीबन आधे घंटे तक पकने देंगे। आधा घंटा हो गया है और गोश्त जो है अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में निकाल कर लो फ्लेम पर रख देंगे। हम एक कढ़ाई में ऐड कर लेंगे आटा, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट किए हुए आटे में अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और आटे को पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे। निहारी जो हमने लो फ्लेम पर रखे है, अब हम उसमें ऐड कर लेंगे आटे का पेस्ट, हरी मिर्ची के पीसेस। अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो हरी मिर्ची के पीसेस नहीं ऐड करें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई को कवर कर लें और इसे 10 मिनट पकने दें। हम एक कढ़ाई में ऐड कर लेंगे प्याज और इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई की हुई प्याज हम टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। का सबसे मेन पार्ट होता है तड़का, तो तड़का देने के लिए हमने सेम ऑयल में ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर और इसे फौरन ही निहारी पर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि नली निहारी कितने अच्छे से बन करके रेडी है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे इस पर फ्राई की हुई प्याज, थोड़ी सी धनिया, और हमारी नली निहारी परफेक्टली रेडी है। आप इसे रुमाली रोटी, पराठे या फिर प्लेन रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।